अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद मामले में पुलिस ने चिट्ठी लिखने वाले सूर्य प्रकाश सिंह को अमेठी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इकबाल अंसारी को धमकी भरी चिट्ठी लिखने की बात कबूल कर ली है। चिट्ठी में इकबाल अंसारी से मामले की पैरवी छोड़ने की धमकी दी गई है। वहीं धमकी मिलने के बाद इकबाल अंसारी ने अपने पिता हाशिम अंसारी की तरह सुरक्षा की मांग करते हुए दावा यह किया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से खतरा है। हमारे यहाँ कल एक पत्र स्पीच पोस्ट जो आया है, कल हमने इसको जो है शाम के 7 बजे इसको खोला, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस मुकदमे से हट जाओ वरना हिंदुस्तान से खदेड़ दिए जाओगे। खतरा जो है तो हमें आई है, क्योंकि अगर खतरा ना होता तो हमारे यहाँ 2500 साल में सुरक्षा लगी हुई है। हमारे वालिद साहब के जमाने से 4 सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे और गार्ड भी लगती थी। आज जो है इलेक्शन के टाइम पे हमारी 2 सुरक्षा कम की गई थी, आज तक नहीं बहाल की गई। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत, हालांकि चिट्ठी लिखने वाले को गिरफ्तार तो पुलिस ने कर लिया, लेकिन ये बताएं कि जिस सुरक्षा की मांग इकबाल अंसारी कर रहे हैं उस पर क्या रुख है? बिल्कुल नवजोत, क्योंकि इकबाल अंसारी का साफ तौर पर आरोप है कि उनके पिता हाशिम अंसारी जो राम जन्मभूमि मामले के दूसरे पक्षकार थे, उनको सुरक्षा मिली थी, लिहाजा अब उन्हें धमकी दी जा रही है। और धमकी की जो दी गई है, जो 8 पन्ने की चिट्ठी दी गई, जिसका जो आरोपी था सूर्य प्रकाश सिंह, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अमेठी ने फैजाबाद पुलिस को हैंडओवर कर दिया। फैजाबाद पुलिस पूछताछ कर रही है, इस मामले में मुकदमा भी लिखा गया है। तो अब जो फैजाबाद जिला प्रशासन है, वो उसने अभी तो अस्थायी तौर पर जरूर उनके पास गार्ड भेज दिया था, लेकिन लिखा पढ़ी में जो तरीके से कहा जाए रिटर्न में, अभी तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिली है। वही वजह है कि इकबाल अंसारी ने अब अपनी सुरक्षा की मांग की, क्योंकि धमकी में साफ तौर पर कहा गया था कि वो जो अपना मुकदमा चल रहा है उसको वापस कर लें, उसकी पैरवी ना करें, नहीं तो उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा, देश के बाहर। तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में जो प्रशासन है उसे कड़े कदम उठाने होंगे, कार्रवाई के साथ साथ सुरक्षा भी देनी होगी, क्योंकि कोई आम इंसान इकबाल अंसारी नहीं है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले के मुख्य पक्षकार हैं और वो मुकदमा लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, नजर बना रखिए, लौटेंगे अजीत आपके पास। यूपी के शामली में एक महिला की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंधों के मामले में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मांगेराम और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मौसम देवी जो सुबह सुबह काम करने के लिए जा रही थी, जहां मटकी बनाती है, तो उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मुकदमा लिखा जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, मुकदमा पंजीकृत करने के बाद और आसपास के कैमरे जो हैं उनको देखा जा रहा है, जिसमें एक जगह फुटेज उसकी आई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत देते हुए एआईएडीएमके के अयोग्य ठहराए गए 18 विधायकों पर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखते हुए दिनाकरन गुट के 18 विधायकों की सदस्यता को अयोग्य ठहराया है। विधानसभा स्पीकर ने एआईएडीएमके के 18 बागी विधायकों को टीटीडीवी दिनाकरन को समर्थन देने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद दिनाकरन गुट के 18 विधायकों ने मद्रास हाईकोर्ट में स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी और इसी साल जनवरी में टीटीवी दिनाकरन गुट के 18 विधायकों ने पलनीसामी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। बिहार के दरभंगा में 2 लोगों पर हुए जानलेवा हमले के बाद कुछ लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों का दावा है कि बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष लाल बिहारी यादव और उनके साथी पर सरेआम फायरिंग की, जिसके बाद इस घटना से नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से वहां जाम जैसे हालात पैदा हो गए। इस प्रोटेस्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। बताया जा रहा है कि व्यापारी मंडल के अध्यक्ष और उनके साथी पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और तभी बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दोनों लोगों पर फायरिंग कर दी और मौके से भाग निकले, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग दोनों घायलों को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस का ये भी दावा है कि इस घटना को पुरानी रंजिश की वजह से अंजाम दिया गया। उन्होंने जो है गैंग की पहचान कर ली गई है, सीसीटीवी फुटेज में भी आया है और हम लोग गिरफ्तारी की सीख कर रहे हैं। वो तो ऐसा लगता है कि पूर्व अपराधी का मामला बन गया।